हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, वो भी मैंने आपको वैसे करवाया हुआ इस चैनल पे। इसके अलावा आपको पढ़ने होते हैं मैथमेटिकल टूल्स जो कि फिजिक्स में यूज़ होते हैं, तो वो भी इस चैनल पे अवेलेबल है। आपको सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखो बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर हो सकें उन्हीं को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ, उसको आप मेजर कर सकते हो तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मास, उसको आप मेजर कर सकते हो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, उसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंगल, उसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, उसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। यही सारी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं तीन फिजिकल क्वांटिटीज। लिखा मैंने 80 kg, यहां पे लिखा मैंने 80 g, और यहां पे लिखा मैंने 80 ton। तो मेरे को बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली आपको पता है सबसे ज्यादा भारी टन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? किलोग्राम वाला। और सबसे हल्का कौन सा होगा? ग्राम वाला। आपको कैसे पता चला? सारे तो 80 80 80 हैं। पता कहाँ से चला? यहां से चला। राइट हैंड साइड पे जो लिखा है वही सारी कहानी कह रहा है। ये तो जस्ट एक नंबर है। तो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट, जिसकी टर्म में फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और यही सारी कहानी कहता है फिजिकल क्वांटिटी की, कौन ज्यादा और कौन कम है। देखो ये हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं इनको? यूनिट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट क्या है, तो यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो कि एक्सप्रेस करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो लिखो सारे के सारे, व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट क्या है? इट इज एन इंटरनेशनली, इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, राइटिंग समझ में आ रही होगी मेरी? आई हो, ठीक है। तो ये है यूनिट। क्या है? यूनिट, जिसकी टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसी को कहते हैं यूनिट। किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, टन, किलोमीटर, ठीक है। ये सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं। अब हमारे पास दो टाइप के यूनिट होते हैं। दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। नोट कर लिया करो जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे पास यूनिट होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। और स्पीड का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। अभी अब देखो, लेंथ का यूनिट लिखने के लिए मेरे को किसी और चीज का यूनिट नहीं चाहिए। लेंथ का अपना ही यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट लिखने के लिए किसी और का यूनिट नहीं चाहिए। क्या आया? सेकंड, खुद का यूनिट। लेकिन स्पीड का यूनिट लिखने के लिए मेरे को लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट चाहिए। तो मतलब स्पीड का यूनिट इन दोनों यूनिट को मिला के बना मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे यूनिट्स जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते उनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन ऐसे यूनिट्स जो कि किन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के बनते हैं उनको कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, द यूनिट्स विच
आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स, जो कि दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते, इनडिपेंडेंट होते हैं। तो वही डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड, द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाएं, उन्हीं को कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। नाम से ही पता चल रहा है। फंडामेंटल यूनिट्स का आप एग्जांपल लिख सकते हो, लेंथ, ठीक है, सॉरी मीटर, लेंथ तो क्वांटिटी होगी ना, सेकंड केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन, वो भी इन दोनों से मिलके बना, तो वही मीटर स्क्वायर किसका यूनिट, एरिया का यूनिट, वो दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बना, यानी वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। तो ये है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब इन दोनों को मिला के सारे के सारे जो यूनिट्स होते हैं वो फंडामेंटल और डिराइव्ड होते हैं, और इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है उसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं, वो अभी हम चेक करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। चलो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो क्या होता था। पहले जो साइंटिस्ट होते थे पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट होते थे, वो क्या करते थे, अलग अलग देशों में अपने अपने यूनिट्स यूज करते थे। किसी देश में लेंथ के लिए फुट यूज कर रहे हैं, तो किसी देश में लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, किसी देश में मास के लिए पाउंड यूज कर रहे हैं, तो किसी देश में मास के लिए किलोग्राम यूज कर रहे हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम होती थी साइंटिस्टों में, मेल नहीं हो पाता था अलग अलग देशों में, प्यार नहीं बन पाता था साइंस का, ठीक है। अब साइंस का प्यार बनाने के लिए, साइंटिस्टों में आपस में मेल बनाने के लिए एक नया सिस्टम बना, सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, और हमको एसआई यूनिट ही ध्यान में रखने होते हैं। लेकिन इसके अलावा तीन फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो क्या है, एक तो है सीजीएस यूनिट, एक है एफपीएस यूनिट, और एक है एमकेएस यूनिट। अब यहाँ पे इन तीनों सिस्टम में क्या किया गया कि तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई, ठीक है, तीन फंडामेंटल कहा गया कि ये तीन फंडामेंटल, बाकी सारी यहीं से डिराइव्ड होंगी, लेंथ, मास और टाइम। अब इन्हीं तीनों की वहां पे क्या की कर दी गई, यूनिट्स डिफाइन कर दी गई। अब सीजीएस यूनिट में क्या किया गया, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया गया, देखो सी फॉर सेंटीमीटर, मास को ग्राम में मेजर किया गया, जी फॉर ग्राम, और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। ये है लेंथ, ये है मास, और ये है टाइम, ठीक है बच्चों। एफपीएस सिस्टम में क्या किया गया, लेंथ को कर दिया मेजर फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में, एफ पी एस। एमकेएस में क्या किया, लेंथ को मीटर में, ठीक है, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो ये जो तीन अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होती थी वही ना कि साइंटिस्ट का मेल नहीं हो पाता था आपस में, प्यार नहीं बन पाता था, प्यार मोहब्बत नहीं हो पाती थी आपस में उनकी, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत बनाने के लिए क्या किया गया, एक नया सिस्टम तैयार किया गया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, और उसी को हम कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसआई सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, और फिजिक्स के अंदर हमको सिर्फ एसआई यूनिट्स ही ध्यान में रखने हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल में माना गया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज यही सेवन फंडामेंटल से डिराइव कर ली जाएंगी। अब वो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, वो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों, याद करना है, लेंथ,
मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सुबह सुबह की वीडियो है पक्षियों की, क्या बोलते हैं उसको, चहचहा के साथ, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साथ में लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो नेचर की प्रेजेंस में हम पढ़ाई करते हुए, ठीक है, पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि बिल्कुल तड़के तड़के की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम सुबह के 6 बजे और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो लेंथ का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट, वो है मीटर। मास का किलोग्राम, ठीक है। टाइम का सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन, के फॉर केल्विन। करंट का एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, पढ़ा है ना मोल, इस साल भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब ध्यान रखना मोल ये होता है, लेकिन सिंबल जब लिखते हैं तो ई नहीं लिखते। लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितनी चमकीली है वो होती है लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका यूनिट है कैंडेला, क्या है, कैंडेला, और सी डी से इसको डिनोट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी सारे के सारे फिजिक्स के यूनिट्स यहीं से डिराइव कर लिए जाएंगे। इसके अलावा 2 यूनिट्स और भी होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल का, और वो है रेडियंस, क्या होता है, रेडियंस, ठीक है बच्चों। डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में करवाया हुआ है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है सिस्टम इंटरनेशनल के लिए, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। अब देखो, जब हम फिजिक्स के अंदर लेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, तो अगर मैं लेंथ की रेंज की बात करूं, फिजिक्स के अंदर हमको छोटी छोटी लेंथ भी पढ़ने को मिलेंगी, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि वो दिखाई भी नहीं देती, और इतनी बड़ी कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी लेंथ भी हम मेजर करेंगे फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटी से छोटी लेंथ की बात करूं, तो 10^-14 मीटर तक की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, करते हैं, और ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या है ये, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब आप 10^-14 का मतलब समझ रहे हो, ये है 1/10^14, यानी 1/1 के आगे 14 जीरोस, ठीक है। अगर मैं बात करूं बड़ी से बड़ी लेंथ की, तो 10^26 मीटर तक की लेंथ की भी हम बातें करेंगे, जो है साइज ऑफ, साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल, साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं उसका साइज की बात करें तो 10^26 मीटर। वैसे तो ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन ये मैंने लिखा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो ये एक रेंज ऑफ लेंथ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि हम करेंगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं इस मार्कर की लेंथ निकाल के बताओ, तो आप तो बोलोगे दो भैया स्केल दो, मैं जल्दी निकालता हूं, ये हो गई, लो भैया निकाल दी। लेकिन मैं बात करूं यहां से लेकर चांद तक का डिस्टेंस निकालना है मेरे को, यहां से लेकर चांद तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां से सूरज का डिस्टेंस निकालना है, तब कैसे निकालोगे, तब क्या बोलोगे, स्केल दो भैया स्केल दो, स्केल दो, क्या करोगे, स्केल लेके जाओगे क्या चांद पे, नहीं जाओगे। वहां पे हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं निकालने के लिए, उसको बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड, क्या बोलते हैं, पैरेलेक्स मेथड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलेक्स मेथड डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी नहीं कर सकता, इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन बनती है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलेक्स मेथड करेंगे लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, कि कैसे करते हैं। अब देखो,
कुछ स्पेशल यूनिट हैं जो कि लेंथ की या मैं डिस्टेंस की बोलूं तो जो आपको ध्यान में रखनी है स्पेशल यूनिट, और यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है स्पेशल यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फर्मी, फर्मी, और वन फर्मी कितना होता है 10^-15 मीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एंगस्ट्रॉम या ऑंगस्ट्रॉम, ये है इसका सिंबल, ये होता है 10^-10 मीटर। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है अर्थ से लेकर सूरज का एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है 1.496 × 10^11 मीटर, ठीक है बच्चों। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर, इतने मीटर। होता क्या है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये होता है। इसके अलावा आपको एक और यूनिट ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला यूनिट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर बहुत ही बार पूछा जाता है ये कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, ध्यान में रखना डिस्टेंस का यूनिट। बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को हम जब मेजर करना होता है तो लाइट ईयर का यूज करते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस जो कि अलग अलग सोलर सिस्टम में है, तो उसको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। अब लाइट ईयर होता क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। तो देखो नाम से ही पता चल जाएगी डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर। और देखो लाइट एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चलती है, तो बताओ एक साल में कितना चलेगी, तो कितना चलेगी 9.46 × 10^15 किलोमीटर। समझ में आया, सॉरी मीटर, दिस इज मीटर, दिस इज मीटर, आई एम रियली सॉरी, क्या है 9.46 × 10^15 मीटर, यह है लाइट ईयर, डिस्टेंस का यूनिट है, ध्यान में रखना है, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मासेस की, कुछ स्पेशल चीजें मास की, मास, तो मास की अगर मैं रेंज की बात करूं जो हमको करनी है, तो कम से कम मास की अगर मैं बात करूं तो वो है अप्रोक्सीमेटली 10^-30 केजी, और ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है वैसे जो न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ठीक है, ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखवा रहा हूं। इसके अलावा बड़े से बड़े मास की अगर मैं बात करूं तो 10^55 केजी, ये है मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स। तो सोचो इतने छोटे मास से लेकर इतने बड़े मास के बीच हम फिजिक्स के अंदर डील करेंगे, ये है मास की रेंज। अगर मैं बात करूं किलोग्राम की तो ठीक है ये तो चलता है, लेकिन अगर बहुत छोटी चीजें होती हैं जैसे एटम्स होते हैं तो एटम्स में किलोग्राम काम नहीं आता, वहां पे स्पेशल यूनिट हम जो मास की होती है वो उसको यूज करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बोलते हो ना कार्बन का एटॉमिक मास कितना भैया 12, ऑक्सीजन का कितना भैया 16, वो है ये एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, यू भी सिंपल आप लिख सकते हो। अब एक यू का मास होता कितना है, ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास होता है उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है, और ये आपको ध्यान में रखनी है, ये होती है 1.66 × 10^-26 केजी। तो एक एटॉमिक मास यूनिट में इतने केजी होते हैं।
तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। तो रिवाइज करिए इस सारी चीजों को जो मैंने करवाई। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा पैरेलेक्स मेथड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए मैंने उसको अलग से रखा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो पढ़ते रहिए, मेक इट इजी देखते रहिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।